सो हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं सुनू आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल सा वीडियो, वो है आईलाइनर कैसे लगाएं। तो आईलाइनर तो हम लोग सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन क्या इजी टेक्निक है और क्या इजी स्टेप्स हैं जिससे हम बहुत ही क्विकली आईलाइनर को अप्लाई कर सकते हैं अपनी आँखों पे। आज हम लोग ये जो लड़कियां हैं आईलाइनर लगाने में बहुत सारा स्ट्रगल करती हैं, बहुत दिक्कत होती है आईलाइनर लगाने पे। लगा तो हम लोग सब लोग लेते हैं और बहुत ही देर से लगाएं, किसी का क्विकली लग जाता है लेकिन लगा लेते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को वही एक ईजी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसको मैं भी यूज़ करती हूँ आईलाइनर लगाते वक्त। तो आईलाइनर लगाने वक्त ये टेक्निक आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। यूज़ कर रही हूँ एक लिक्विड लाइनर। अगर आप बिगनर हो तो आप लिक्विड लाइनर के साथ ही ट्राई करना, और अगर आप स्केच पेन ले सकते हो लाइनर वाला तो वो भी ले सकते हैं। वो भी बहुत ही ईजी मेथड होता है लाइनर अप्लाई करने का, तो आप लिक्विड लाइनर के साथ ट्राई करें। जेल आईलाइनर होता है वो थोड़ा टफ होता है लगाने के लिए, और ये जो लिक्विड आईलाइनर होता है वो क्विकली आप लगा सकते हो। और आप आईलाइनर लेना तो आप कोशिश करना कि ये जो आईलाइनर का ये है ना पॉइंट जो हो वो पतला हो, तो आपका आईलाइनर बहुत ही क्विकली लगेगा और बहुत ही पतला लगेगा। आप जैसा लगाना चाहे, मोटा लगाना चाहे, पतला लगाना चाहे, वो भी लगेगा। तो आइए देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले कि आप इसका सारा जो एक्सेस है वो इसमें आप इसमें ऐसे डाल दें और इसको क्लीन कर लें इसके पॉइंट को। तो अब जो हमें करना है वो पहले अपने पॉइंट को डिसाइड करना है कि हमें विंग आईलाइनर लगाना है। विंग आईलाइनर लगाना है तो हमें यहाँ पे ये जो एज होता है ना कॉर्नर वाला, तो यहाँ पे हमें हल्का सा ऐसे उठा लेना है। आप देख रहे हो थोड़ा सा उठा लिया मैंने। आप ऐसे भी लगा के जा सकते हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसको ऐसे पतला सा मिलाते हुए यहाँ तक ला सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो। तो सेम मेथड मैं इस आई पे भी कर दूंगी। ये मैंने लगा लिया, मैंने दोनों तरफ ऐसे डंडल निकाल दिया। अगर आप बड़ा छोटा आपको लग रहा है तो आप बाद में भी इसे मैच कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ तो मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब मैं दूसरा चीज़ जो करने वाली हूँ, मैं ये इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर के साइड में ऐसे मिलाऊंगी। तो आप जितना पतला, पहले हम पतला से ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ से ऐसे से यहाँ पे सेट किया अपने पॉइंट को, देन ऐसे आपको कोशिश करना है कि आपको पॉइंट को नहीं उठाना है, ठीक है। इसी से ऐसे मिक्स कर देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया सबसे पतला लाइनर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी सेम मेथड से मैं इस लाइन को भी ड्रॉ कर लूँ। एक्सेस होगा, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि एक्सेस आप अपने डब्बे में ही डाल लें और पॉइंट को क्लियर कर लें। एक्सेस निकाल लिया है, अब मेरे पॉइंट पे जितना सफिशियंट अमाउंट चाहिए लगाने के लिए वही है। तो मैंने अपने इनर कॉर्नर से स्टार्ट किया, पॉइंट को रखा, देन एक पतला लाइन ड्रॉ करते हुए इधर मिक्स मैच कर दिया। पतला लाइन ड्रॉ किया, देन ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब हमें थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मैंने ऐसे उठा दिया था, तो मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा मोटा हो गया। आप देख रहे हो, मैंने एक में आप लोगों को बताया कि आपको ये पॉइंट को मिलाना है अपने पॉइंट के हिसाब से। अगर आपको बहुत पतला लाइनर चाहिए, अगर आप ऐसा लाइनर चाहते हैं तो आप सिर्फ मिलाएंगे उस पॉइंट को ऐसे हल्का निकाल के, वहाँ से इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके आउटर कॉर्नर पे सिर्फ मिलाएंगे अपने पॉइंट से। और अगर आपको थोड़ा सा मोटा चाहिए तो आप ऐसे, आप जैसे आपने यहाँ से ऐसे लेके गए, मिलाए, एंड देन उसके बाद जो ये पॉइंट है ना निकला हुआ, इसको फॉलो करते हुए आप अंदर की तरफ ऐसे, जैसे इसमें और थोड़ा चाहिए तो ये जो है ना पॉइंट, ये हम ऐसे मिक्स कर देंगे अंदर की तरफ, ऐसे डाल दिया हमने तो ये हमारा थोड़ा मोटा हो गया। सेम ऐसा ही मैंने इसमें भी किया था, सेम ऐसा इसमें भी किया था। आप इसको पॉइंट को थोड़ा और ऊपर लाओगे, ऊपर लाते जाओ और अंदर के साइड मिलाते जाओ, आपका लाइनर वहीं परफेक्ट हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये रखा और अंदर के साइड मिलाया, ठीक है।
अभी क्या है कि मैंने बहुत पतला राइट आई में किया था, राइट आई में बहुत पतला इनर कॉर्नर से किया था, यहाँ पे देख रहे हो आप मोटा सा है, तो आपको इसी से ऐसे मिक्स करना है, ऐसे हाँ ऐसे मिक्स करना है और इसको बराबर कर लेना है। अब ये आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड साइज का लाइनर आपका लग चुका है। अगर आपको मोटा लगाना पसंद है तो आप उसको मोटा भी कर सकते हैं, अगर आपको पतला लगाना पसंद है तो आप उसको पतला भी कर सकते हैं। अब जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये जो अनइवन सा है ये भी आप ना भूलना। देखो जैसे आपको सबसे पहले देखना है कि आपके आई में कहीं अनइवननेस तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कम लग रहा है, तो आप उसको मिक्स करोगे वरना आपका जो आई का जो साइज है ना दो डिफरेंट लगेगा। अब मैं देखो आप इसको मैं मैच करती हूँ, तो पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसे लिया और यहाँ मैच कर दिया। आप पॉइंट को उठाओगे नहीं, और ये मैंने जो लिया था अंदर से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ था, तो ये छूटा हुआ को फिल करना है। अब ये जो फिल किया मैंने, तो अब आप देख रहे हो मेरा जो आई का साइज है दोनों बराबर लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, दोनों इक्वल मेरा लाइनर लग रहा है। अब दूसरा काम क्या करना है हमें, अगर मोटा करना है तो हमें इसी पॉइंट को फॉलो करना है, ऐसे इसी पॉइंट को हल्का सा और उठा लेंगे, हल्का हमने उठाया और ठीक है, इधर से हमने फिर से उठाया और ठीक है, इसको करेंगे हम अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ किया हमने, अंदर की तरफ किया इसको, और यहाँ जो मैंने उठाया इसको मैंने अभी अंदर की तरफ नहीं किया, तो ये क्या करना है आपको, इसको भी अंदर इस पॉइंट को फॉलो करना है हल्का, और ये आपको अंदर की तरफ डालना है, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि छोटा छोटा सा है तो उसको आपको मैच करते हुए चलना है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आपका ये आई में थोड़ा कम है और इसमें ज़्यादा है इनर कॉर्नर के साइड से, तो आप उसको मिक्स कर दीजिए मिला के। तो ये हो गया मेरा आज का, आपको मैंने इजी मेथड बताया है कि आपको कैसे आईलाइनर को लगाना है और कैसे आपको इजी टेक्निक को फॉलो करना है, बस दोनों साइड से आपको निकालना है और उसी को फॉलो करते हुए अंदर के साइड आना है, और अगर आपको उसको मैच करना है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे आपको मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस बना के देती रहूँगी आप लोगों के लिए। इतना ही, तो टिल देन बाय बाय।